दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2014 के अंदर ये ब्रांड इंडिया के अंदर आया था और उसके बाद आज तक ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़े हैं। उसके बाद जब ये आए थे इंडिया के अंदर, सबसे पहले इन्होंने सैमसंग को बहुत तगड़ी टक्कर दी थी और सैमसंग की काफ़ी हद तक मतलब दादागिरी इन्होंने ख़त्म करी थी। बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर्स इन्होंने लॉन्च किए थे बहुत ही कम प्राइस रेंज के साथ, और बहुत सारे फ़ोन्स एक साथ ही फ्लैश सेल्स का कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आया था। हालांकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो इस फ्लैश सेल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रही थी, लेकिन सबसे पहले सक्सेसफुल बनाने वाली कंपनी Xiaomi ही थी, जो मतलब बल्क में 3-3 लाख फोन एक सेल के अंदर बेच देती थी। और दोस्तों उसके बाद जो इन्होंने काम किया था माइक्रोमैक्स, लावा, जियोनी और ऐसे जो छोटे मोटे ब्रांड्स थे जो उभर के ऊपर आ रहे थे, उनकी एकदम दुकानें बंद कर दी। उसके बाद इनकी एंट्री हुई रेडमी की, जो कि 2018 के अंदर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गया था चाइना के अंदर, और अभी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी उसको एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनाने की। दोस्तों अब बारी है पोको की। जी हाँ दोस्तों, रेडमी के सक्सेसफुल होने के बाद अब Xiaomi की नज़र या टारगेट आप कह सकते हैं पोको है। बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 18 महीने हुए हैं पोको F1 को लॉन्च हुए, यानी पोको ब्रांड के अंदर आपका पहला फोन है पोको F1। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी वो गेन कर चुका है कि Xiaomi को अब सोचना पड़ रहा है कि शायद उसको वो इंडिया के अंदर एक सब ब्रांड या फिर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के रूप में लॉन्च कर दे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर यही सब। और नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर, और आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पोको ने बहुत कम समय के अंदर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया है। सिर्फ 18 महीनों के अंदर इतने सारे सेल्स और इतने तगड़े फीचर्स के साथ ये फ़ोन आता है कि मतलब फ्लैगशिप लेवल की इसके परफॉर्मेंस रहती है, और जो प्राइस है वो मिड रेंज की है। 2018 के अंदर पोको का जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक मतलब पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी तगड़ी तगड़ी सेल्स इसकी आ रही हैं और अभी भी ये फ़ोन बिक रहा है। मतलब अगर कोई कहेगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस फोन को रिकमेंड करते हैं, इनफैक्ट मैं भी रिकमेंड करता हूँ अगर आपको डिज़ाइन और लुक्स नहीं चाहिए तो। दोस्तों अब 2020 के अंदर इतनी तबाही मचाने के बाद Xiaomi को लगा कि क्यों ना इस फ़ोन के जो पोटेंशियल है या इस ब्रांड का जो पोटेंशियल है उसको बूस्ट आउट किया जाए या मैक्स आउट किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा है कि इसको एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बना देंगे Xiaomi का ही। और दोस्तों पोको के साथ ही आपको Redmi का भी एक अलग ही यहाँ पे आपको ट्विटर अकाउंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे उन्होंने लिखा है Redmi by Xiaomi। वहाँ पे एक हैशटैग भी दिया है, हैशटैग Redmi 2020, जो ये दिखाता है कि मतलब Xiaomi काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है एकदम बजट सेगमेंट के ऊपर, और आप कह सकते हैं फ्लैगशिप किलर वाले सेगमेंट के ऊपर। पोको वाला जो फ़ोन है वो फ्लैगशिप किलर है और Redmi आपके मिड रेंजर्स हैं। और साथ ही आपको पोको F1 का 2020 के अंदर एक सक्सेसर फ़ोन देखने को मिल सकता है, जिसके कुछ लीक्स और रेंडर्स आ रहे हैं। हालांकि चीज़ अभी कंफर्म हुई नहीं है, लेकिन स्टिल लीक्स और रेंडर्स के हिसाब से बहुत तगड़ा वो फ़ोन रहने वाला है। इसीलिए Xiaomi ने कमर कस ली है और पोको को अलग से एक सब ब्रांड, या आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांड बना दिया है इंडिया के अंदर। पोको फ़ोन की खास बात है दोस्तों, बाकी सारे लोगों को आपको पता ही होगी कि बहुत कम प्राइस के साथ बहुत तगड़ी आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, गेमिंग के हिसाब से देख लें या बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से। हालांकि कैमरा वाले सीन के अंदर थोड़ा सा ये फ़ोन पिछड़ जाता है, लेकिन बाकी सारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एकदम तगड़ा फ़ोन है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ इस फ़ोन को लॉन्च किया गया था और धीरे धीरे इसकी फ़ोन की प्राइस काफ़ी हद तक कम हुई है। तो पोको F2 या आपका जो दूसरा वाला फ़ोन जो वेरिएंट होगा पोको F1 का, उसका हमें वेट है और हम उसको देखना चाहेंगे कि क्या उसके स्पेसिफिकेशन हैं, Xiaomi हमें सरप्राइज करता है या फिर वही हिसाब पिटा फोन चिपका देगा थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करके। और दोस्तों पोको ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा Xiaomi को परफॉर्मेंस निकाल के दिए। सिर्फ और सिर्फ 18 महीनों में इस ब्रांड ने अपनी एक अलग से इमेज बना ली है। तो यहाँ पर Redmi को या फिर आप Xiaomi को लगा कि यार इसको अलग से एक सब ब्रांड बना देना चाहिए या फिर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बना देना चाहिए, और वही उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि ये पोको के लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि इससे Xiaomi, Redmi और पोको ये एक दूसरे को ही मतलब कॉम्पिटिशन में रहेंगे, बट स्टिल अच्छा है। अगर लोग इंडिपेंडेंटली सोचेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। वहीं जब ये कंपनीज जब कम्पीट करेगी सैमसंग से, तो शायद बेटर कम्पीट कर पाएँ। और ये चाइनीज जायंट्स की एक तरह से आप कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, इन चारों का जो मेन कंपनी है वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से एक कंपनी है। अब ऐसे ही इंडिया के अंदर आपको Xiaomi, Redmi और पोको, इन सब का मालिक बॉस एक ही है। तो मतलब सारी चाइनीज़ कंपनीज ने इंडियन मार्केट को, या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट को, बहुत तगड़े तरीके से कैप्चर कर रखा है। आने वाले सालों में या फिर अगले 1-2 साल में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा प्लेयर, इवन आईफोन वाले तो यार 2% की सेल्स पे हैं यार। मतलब वो तो दो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन सेल्स फिगर के मामले में दम नहीं है उनमें। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो, जिसके मैंने आपको बताया कि Xiaomi की क्या स्ट्रैटेजी है 2020 के अंदर, पोको को एक अलग से सब ब्रांड बना दिया है या इंडिपेंडेंट ब्रांड बना दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो भी कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पेजेस को लाके लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।